इस फोन में जो प्रॉब्लम है एवरीवन, इसमें प्रॉब्लम है डिस्प्ले की लाइट की इशू है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे एवरीवन। तो ये जो फ़ोन है इसमें काफ़ी ज़्यादा काम भी किया हुआ है और सर्किट्स में काफ़ी ज़्यादा जो लाइट सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी लाइट की सेक्शन पूरा का पूरा शॉर्ट है। तो पहले हम शॉर्टिंग वाले सामान को रिमूव करेंगे। A5S की मॉडल है ये ओप्पो का, तो जो शॉर्टिंग है उसको हम सबसे पहले हटाएंगे यहाँ से। फ्लक्स दे देना है सामान अगर सही से ना निकले तो। इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमें ये चेक करना होगा, उन सभी कंपोनेंट्स को चेक करनी होगी। तो मल्टीमीटर लेंगे और इसको चेक करेंगे। पहले जो सफाई है वो कर लेना है, थोड़ा रंगा कनेक्ट कर देना है सभी स्थान पे, और इसके बाद इसे मल्टीमीटर को हमें बजर मोड में रखनी है, और हमें यहाँ और भी कंपोनेंट्स को डैमेज के लिए हमें चेक करनी है। एक प्रोड ग्राउंड में रखेंगे, दूसरे को चेक करेंगे। तो ये सब हमारा ओके आ रहा है, आगे आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हमारा जो कैपेसिटर है ये भी हमारा दिक्कत है, ठीक है। ये कैपेसिटर भी हमारा शॉर्ट है। एक्चुअली होता क्या है, किसी एक सामान की शॉर्टिंग की वजह से बाकी सामान भी हमारे जल जाते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद हम देख लेंगे कि अभी और भी तो हमारा कोई शॉर्टिंग लगी हुई नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई सामान लगाने से पहले अपने सर्किट की ट्रेसिंग कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आईसी की भी चेकअप कर लेनी है, ठीक है। छः लेग हमें मिला लेना है, हमारा जो वीपीएच कौन सा है, इनेबल कौन सा है, ये सारी चीज़ हमें चेक कर लेनी है। तो अब हमारा शॉर्टिंग हमें कहीं नहीं है, ठीक है। तो बाकी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जो डैमेज है वो हम बदल देंगे, और जो अच्छी है उसे चेक करके लगा देंगे। तो हमारा डायोड और कैप जो है ये दोनों शॉर्ट है, तो डायोड कैप हम रिप्लेस कर लेंगे, और कॉइल भी हम रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि कॉइल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है एवरीवन, वो मेल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर की जो बार्निश होता है वो बार्निश ख़राब हो जाता है, तो हमें उसे भी रिप्लेस करनी होगी। नहीं, अगर आपके पास LCR मीटर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरे मदरबोर्ड से हम डायोड निकाल रहे हैं और कैप निकाल लेंगे। इस चीज़ के लिए स्क्रैप बोर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डायोड हम लगा रहे हैं, डायोड हल्का छोटा है साइज में, लेकिन कोई मैटर नहीं करेगा, ये हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, डायोड हमारा फिक्स हो गया। इसके बाद हम कैपेसिटर फिक्स कर लेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा रंगा हम फील कर लेंगे। ध्यान रहे, जो कंपोनेंट्स आप रिप्लेस कर रहे हैं वो उसी सेक्शन की आप किसी भी मॉडल के बोर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें कॉइल फिक्स करना है। ठीक है, कॉइल आप कोई भी लाइट सेक्शन से ले सकते हैं, नहीं भी है तो किसी भी मदरबोर्ड की लाइट सेक्शन से साइज मैटर करके आप ले लीजिए। साइज सेम होनी चाहिए, बड़ा होगा तो आपको लगने में प्रॉब्लम करेगा। एवरीवन, अगर आप हर कंपोनेंट्स के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो आपको नई सामान खरीदने की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी, आप पुराने बोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। और ये सब जितने भी बोर्ड हैं एवरीवन, रिटर्न आता है हर जगह से, वापसी आता है, तो वापसी काम आप करेंगे तो आपको मदरबोर्ड के सर्किट के बारे में पूरी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि किस तरह से कोई भी सेक्शन हमारा काम करता है। अगर इस तरह से आप सर्किट के बारे में जानते हैं तो आप किसी भी बोर्ड को ऑन कर सकते हैं, अगर वो रिपेयर के लायक है तो आप उसे बना सकते हैं। सिर्फ हमारा मदरबोर्ड पूरा फूला होना नहीं चाहिए, हल्की फुल्की डैमेज है, प्रिंट जिस तरह से इसका देख रही है गया हुआ है, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें बोर्ड में सप्लाई नहीं देनी है, हमें चेक करनी है। कभी भी बोर्ड में डायरेक्ट सप्लाई आपको नहीं देना है, पहले चेक कर लेना है कि हमारा जो है अभी भी सही है या नहीं है। सभी चीज़ को अच्छे से मिला लेना है क्लीन करके। अब हमारा फ्रेश क्लीन है, अभी हम इसको चेक करेंगे कि अभी हमारा कोई शॉर्टिंग तो कहीं नहीं है, डायोड हमारा प्रॉपर है, कनेक्टिविटी है, VPH लाइन ओके है, ये सभी चीज़ को आपको मिला लेने हैं।
मिलाने के बाद हम इसे चेक करेंगे। इसके बाद जो हमारा एनोड की सप्लाई है वो लाइन भी हमें सॉर्टिंग के लिए चेक करनी है, तो हमारा नहीं है सॉर्टिंग, 500 का वहाँ पे भी हमारा जीआर है तो सही है। एवरीवन, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आना पॉसिबल है तो ऑफलाइन ले सकते हैं। तो हमारा सेट डन हो चुका है, देखते हैं हमारा डिस्प्ले लाइट जो है वन टाइम में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आप इस तरह से काम करेंगे चेकअप के साथ तो आपको मुश्किल नहीं होगी, बार बार आपको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सर्किट की रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे, आपका इजी रिपेयर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि दूसरों का हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।